Elaf eMedia, most trusted channel. मैं फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की खबरें। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इल्जाम लगाते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आइंदा गुजरात इलेक्शन में हारने के खौफ से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कत्ल करने की साजिश कर रही है। उन्होंने मजीद कहा, बीजेपी के एमपी मिस्टर मनोज तिवारी खुले आम अपने गुंडों को अरविंद केजरीवाल पर हमला करने के लिए कह रहे हैं। उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपने षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके, खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से ये साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वो पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का अब षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और FIR भी कराएंगे, और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जाँच की जाए, क्योंकि ये मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं, लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है, इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है, और हम इसको लेके पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। ये सारी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर में इनकी FIR वहीं लिखी जाती है, इनकी चार्जशीट वहीं लिखी जाती है, इनकी विजिलेंस रिपोर्ट वहीं लिखी जाती है, तभी तो ऐसा होता है। वरना स्कूल में तथाकथित कोई घोटाला हुआ, उसकी कोई विजिलेंस रिपोर्ट है, वो अभी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि वो चीफ सेक्रेटरी के पास गई है और वो मीडिया के पास है, वो मिनिस्टर को नहीं बताई गई, वो CVO को नहीं दी गई, जो देश के विजिलेंस डिपार्टमेंट है उनको नहीं दी गई, वो मीडिया को दी गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट लिखते हैं और मीडिया को जारी करते हैं, रोज यही कर रहे हैं। Sponsored by The Times Watch and Mobiles, opposite Chitra Corner Main Road, Bidar. AK Refrigeration and Air Condition, Madipatnam, Hyderabad. Agra Footwear Collection, Market Area Main Road, Bidar. Hope Chest Hospital, Nandi Colony, Bidar. AK Enterprises and Home Appliances, AK Villa Complex, Dargah Pura, Bidar. And Safa Multi Speciality Hospital, address near Rex Bar and Restaurant, DCC Bank Road, Bidar.